अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं औरंगजेब शेख आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जिया कुकिंग में वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला के रहम और करम बरकत और शुक्र से आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। चले जानते हैं इसका तरीका। चले तो भिंडी गोश्त बनाने के लिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें हमने करीबन 100 ग्राम तेल ले लिया है, उसे गर्म कर लिया है। अब हम उसमें जो है हमारी भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। ये ले ली हमने हमारी भिंडी जिसे हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी भिंडी को हम फ्राई कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी भिंडी जो है ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे हमारे पैन से निकाल लेते हैं। ये हमने जो है एक प्लेट में निकाल ली है। अब हम सेम सॉस पैन में जो है, जिसमें हमने भिंडी फ्राई की थी, उसी पैन में हम जो है करीबन 2 प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस किए हुए वो ऐड कर लेते हैं और इन्हें भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने जो है पैन में ले ली है। अब हम इसे ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी ऑनियन जो है, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जो है करीबन 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं। करीबन 8 से 10 लहसुन की कलियां हमने ली थी, जिसे हमने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया, वो हमने ऑनियन के साथ में ऐड कर लिया है। अब इन्हें भी जो है हम करीबन 2 से 3 मिनट स्टर फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो प्याज के साथ में हमने लहसुन को भी अच्छी तरीके से भून लिया है व्यूअर्स। अब हम जो है 3 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर को। हल्दी कितनी, 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है व्यूअर्स। 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है व्यूअर्स। इन्हें भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। अब इन मसालों के साथ व्यूअर्स हम जो है इसमें करीबन 1/2 किलो हमारा मटन ऐड कर लेंगे। मटन को हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी पाउडर और नमक ऐड करके हमने मटन को बॉईल करके रख लिया था। तो ये रहा वो मटन व्यूअर्स, इसे हम जो है हमारे भिंडी गोश्त मसाले में ऐड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा मटन, इसे हम जो है हमारे मसालों के साथ ऐड करके इन्हें करीबन 5 मिनट तक भून लेते हैं मसालों में। ध्यान रहे कि बॉईल मटन का आपने पानी नहीं ऐड करना है, पानी हम बाद में ऐड कर लेंगे। आपने मसालों के साथ में आपके मटन को भून लेना है अच्छी तरीके से। तो व्यूअर्स, करीबन 3 मिनट हमने मसालों के साथ में हमारे मटन को भून लिया है। अब जो मटन स्टॉक है, जिसमें हमने मटन को बॉईल किया था उसका जो स्टॉक है, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। या अकॉर्डिंगली आपने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है उतनी आपने इसमें, उतना आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। और आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक भी ऐड कर लीजिएगा। तो मटन ग्रेवी के साथ में हमने जो है हमारे मटन को जो है करीबन 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें हमारी जो फ्राई की हुई भिंडी है उसे ऐड कर देते हैं और इसे भी हम मसालों के साथ में 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपकी ग्रेवी बन जाती है। और आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिए और स्वाद अनुसार आप नमक इसमें ऐड कर लीजिए। तो भिंडी और मटन को अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं मसालों के साथ में 5 मिनट। ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं। इसे 5 मिनट इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया हमने व्यूअर्स। अब हम इसे जो है डिश आउट कर लेते हैं।
तो व्यूअर्स ये रहे हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार। इसे हमने डिस्काउट कर लिया और इसे हमने गार्निश किया है हरे धनिए के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हो तंदूरी रोटी या ज़ीरा राइस के साथ। तो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मज़ेदार ये रेसिपी है व्यूअर्स। रेसिपी अगर पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोबारा मिलते हैं नई रेसिपी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।